जेब कटुआ है सरकार, अधीर रंजन चौधरी बोले 1000 रुपए लेकर देती है 200। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को आम बजट पेश किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी बजट से ना खुश होते हुए बोले, सरकार हमारी जेब से 1000 रुपए लेती है और 200 देती है। अधीर रंजन ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, सरकार का फर्ज होता है आम लोगों को सुविधा मुहैया कराना, लेकिन ये सरकार जेब कटुआ सरकार बन गई है। सरकार हमारी जेब से 1000 लेकर हमें 200 देती है, ऐसा दिखाती है जैसे हम पर दान किया जा रहा है, जबकि ये हमारा हक है। अधीर रंजन आगे बोले, ये दान और दानी का स्वरूप जो सरकार दिखा रही है, उसे समझना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, प्रजा नहीं। जो 54 सरकार देती है उसमें भी ढिंढोरा पीटती है। इससे पहले अधीर रंजन ने कहा, बजट पेश किए जाने से पहले हम उम्मीद कर रहे थे कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें घटेंगी। हमें उम्मीद थी कि पेट्रोल डीजल के दाम घटाने के लिए एक्साइज में छूट या इससे जुड़ा कोई ना कोई प्रावधान किया जाएगा। हमें ये भी उम्मीद थी कि रसोई गैस की कीमतें घटेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अधीर रंजन बोले, आम जनता को इस बजट से किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी बजट के प्रावधानों को आम जनता तक पहुँचाने के लिए 12 दिन तक का अभियान चलाएगी, जिसके तहत 50 बड़े शहरों में प्रमुख केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष अपने राज्यों में बजट की खूबियां बताएंगे। पार्टी के नेताओं के मुताबिक बजट में घोषित जन समर्थक उपायों के बारे में जनता को बताने और उन्हें जागरूक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 1 फरवरी से 12 फरवरी तक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। आप सभी का इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।